अचानक से ऐसा व्यू दिखने को मिल जाएगा, एकदम ही रेडी नहीं था मैं तो, एकदम ही ऑफ बीट से भी ऑफ गिर गया है क्या? नहीं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। वाओ वाओ वाओ, ऑफ बीट एरिया पे राइड करना अपने आप से एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है क्योंकि जंगल एरिया है। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 12 बजे और आज है अपना नॉर्थ बंगाल राइड का डे 6। सो हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएनटी टॉक एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन दिस वीडियो। एज आई सेड, आज डे 6 है अपना नॉर्थ बंगाल राइड का और गुरुदूम पे हम लोगों का थर्ड डे है। पहले तो हम लोग सोचे थे कि गुरुदूम से निकल के तीस्ता रिवर के साइड पे रहेंगे, बट फिर दोस्त लोगों ने डिसाइड किया कि जब ये ऑफ बीट एरिया पे आ ही चुके हैं तो यहाँ का जो जो भी व्यू पॉइंट्स है, जो जो भी घूमने का जगह है, सब कवर कर लेते हैं। यहाँ से नीचे उतरेंगे और अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे बाइक को लेके निकलेंगे। आसपास के जो व्यू पॉइंट्स है, जो प्लेस में हम लोग जाएंगे, वो सभी प्लेस में बाइक अलाउड है। और एक चीज़ है, गुरुदूम पे कल रात का टेम्परेचर था -3 डिग्री, एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर। मॉर्निंग को जब करिश्मा उठी तो बोल रही थी कि देखो बर्फ़ जम चुका है। अभी तो फ़िलहाल बर्फ़ नहीं दिखेगा क्योंकि सुबह धूप था, इसीलिए बर्फ़ सब गल चुके हैं, बट मॉर्निंग को, एकदम अर्ली मॉर्निंग को बर्फ़ जमा हुआ था आस पास। ये जो एरिया है कम्प्लीटली ऑफ बीट एरिया है। इतने देर से हम लोग बाइक स्कूटी चला रहे हैं, एक भी दूसरा कोई भी व्हीकल, फोर व्हीलर बोलिए, टू व्हीलर बोलिए, कुछ भी व्हीकल हम लोगों को पास अपोजिट साइड से पास नहीं किया है या फिर पीछे से ओवरटेक नहीं किया है। मतलब ये इतना ऑफ बीट एरिया है। सो ऑफ बीट एरिया का एक्सप्लोर करने का मज़ा भी अलग है, क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर करोगे और दूसरों के साथ शेयर करोगे, अगर जगह अच्छा हुआ तो दूसरे भी आएंगे और अपना जो टूरिज्म है वो और भी प्रमोट होगा, तो विन विन सिचुएशन है अपने लिए। अपना कंटेंट भी आएगा और एक ओवरऑल यहाँ के ये जो पहला एक ग्रुप है जिनको हमने देखा कि हम लोगों को क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा सीनिक ब्यूटी देखने को मिल रहा है, एक एडवेंचर भी फील हो रहा है, ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस अपना अच्छा है यहाँ पे। भाई पाइन ट्री तो बहुत देखा है बट ऊपर देखो रेड पाइन ट्री, माय गॉड। अरे अरे अरे, एक्सीडेंट मत कर दो यार रेड पाइन ट्री देखने के चक्कर में। क्या खूबसूरत है, पूरा पाइन ट्री ही रेड था। वाह कसम, लेफ्ट साइड में इतना खूबसूरत डेंस पाइन फॉरेस्ट है, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। बाप रे बाप, कितने देर बाद दो इंसान देखे अपन, ये तो पूरा खाली खाली रास्ता था। वाओ वाओ वाओ, ये आई थिंक फर्न्स है,
जंगली फर्न्स। तो एकदम ही ऑफ बीट से भी ऑफ बीट है, बहुत ही खाली खाली जगह है। बाताशिया, बाताशिया फॉरेस्ट रिजर्व। तो धोत्रे, फाइनली हम लोग धोत्रे पहुंच चुके हैं। 12 किलोमीटर का राइड था और भैया बोल रहे थे कि यहाँ से कंचनजंगा बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है, बट दिन पे नहीं दिखेगा क्योंकि इतना क्लाउड है आज। धोत्रे के आगे 12 किलोमीटर आगे एक जगह है मोमो खोले करके, वहाँ पे रिवर है और धोत्रे पे है पाइन फॉरेस्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि मोमो खोले पे जो रिवर है पहले वो देख लिया जाए, फिर रिटर्न करते टाइम हम लोग धोत्रे का जो पाइन फॉरेस्ट है उसको देखेंगे। इसीलिए अभी जो अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मोमो खोले, उसके तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज सब में थोड़ा एनर्जी कम है क्योंकि पिछले 5 दिनों से बहुत बहुत मस्ती मज़े कर लिए हम लोगों ने, बट एनीवे आज अपना लास्ट डे है दार्जिलिंग एरिया पे, तो इसीलिए हम लोग बाहर आ चुके हैं कि लास्ट दिन को वेस्ट नहीं करना है। जो भी रेस्ट करना है हमें सिलीगुड़ी या एंड कोलकाता पे जाके ही करना है। अभी आए हैं घूमने तो घूम के ही जाएंगे। जंगली एरिया है पूरा और यहाँ पे रेड पांडास भी दिखते हैं। उठते टाइम इस रोड पे मज़ा ज़्यादा है। एडवेंचरफुल रोड तो है ये, झूठ नहीं कहूँगा, बट है एडवेंचरफुल रोड ये। यूज़ भी बहुत कम होते हैं, अभी फ़िलहाल 1:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, बट कोई भी व्हीकल खास दिख नहीं रहा है इस रास्ते पे। और जो ओवरऑल रोड है पूरा ही डाउनहिल रोड है, तो उठते टाइम थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये दैट्स फॉर श्योर, कि बहुत ही स्टीप टर्न है यहाँ पे। तो फिलहाल ये वाला तो उतना स्टीप नहीं है, बट आगे जो भी टर्न हमने लिया है वो बहुत ज़्यादा स्टीप था। अचानक से ऐसा व्यू दिखने को मिल जाएगा, एकदम ही रेडी नहीं था मैं। व्यू एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई अचानक से। अरे ये गिर गए है क्या? नहीं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने सोचा था कि मदद कर दे, बट वो पिए हुए थे इसीलिए हम लोग ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कहाँ ही रखते उनको, जगह अनजान है। पता चला कि हेल्प करने के लिए गए और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो दिक्कत होता। ऊपर आई थिंक पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने का आवाज़ आ रहा है, बट ये तो फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे क्यों पेड़ काट रहे हैं पता नहीं।
परमिशन होंगे शायद इनके पास, इसीलिए काट रहे हैं। वो कौन सा जगह है पहाड़ के उस तरफ का, वो मुझे जानना है। शायद हम लोग पहुंच चुके हैं, यही वो नदी है। इस ट्रिप पे हम लोगों ने सब कुछ देख लिया और रिवर देखना ही बाकी था, तो रिवर के लिए भी आज मोमोकोला पे आ गए। और ये रिवर का नाम है फेनिकोला। एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। यह है वो रिवर, ऊपर है जंगल, बहुत ही घना जंगल है। और घने जंगल के बीच में से आप लोगों ने देख ही लिया, इतना मतलब अंधेरा था, लाइट बहुत कम आ रहा था, बट बाहर रोशनी बहुत ज़्यादा है। चलिए अभी अगर देखते नीचे जा सकते हैं कि नहीं, अदरवाइज फिर से रिटर्न करेंगे और पाइन फॉरेस्ट देखेंगे इसके बाद। मोमोकोला पे रिवर देखना हो गया कंप्लीट, बहुत सारा फ़ोटोशूट कर लिया, बहुत रील भी ले लिए। अभी हम लोग जाएंगे धोत्री की तरफ, फिर वहाँ से जाएंगे अपना होम स्टे पे। रिटर्न रास्ता पूरा अपहिल होने वाला है। क्या खूबसूरत व्यू है यार इस जगह का, दोनों तरफ बहुत ही बढ़िया व्यू है इस जगह का। नज़ारे देखो यार, नज़ारे देखो, ये सब घर कैसे बनाते हैं, सब स्टेप वाइज सब घर है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, पूरा ऊपर तक जंगल है। हम लोगों को इस जंगल पे ही, जंगल से ऊपर तक जाना है। बहुत टाइम बाद इस रास्ते पे मुझे दो गाड़ी एक्स्ट्रा दिखे, अपने ग्रुप का बाइक को छोड़ के। और यहीं पे वो अंकल बैठे हुए थे, चलो फिलहाल वो नहीं है। ऐसे सीधा जाके व्यू, ओहो मस्त मस्त। दौड़ते का ये जो रास्ता है, यहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट होता है संदकफू का, और राइट साइड में हम लोग तो जा रहे हैं अपने होम स्टे पे गुरुदम पे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और शाम हो रहा है, जल्दी रात हो जाएगा, इसीलिए हम लोग पाइन फॉरेस्ट अभी नहीं जा रहे हैं। लोकल से पूछे तो बोले कि लेपचा जगह जैसा ही पाइन फॉरेस्ट है, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे अभी। अभी बैक टू अपना होम स्टे। कुछ देखो, ये दो तीन घर है एकदम टूटा फूटा, क्यों है पता नहीं, जाते टाइम भी देखा था। ऊपर का व्यू देखो, पता नहीं कितना आ रहा है कैमरा में, बट ये राइड बहुत बहुत ही एडवेंचरस अभी हो जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम होने को है, लाइट अभी पूरा जाने वाला है। हम लोग तीन राइडर्स अभी जा रहे हैं, अपना दो दोस्त आगे जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं गुरुदम, क्योंकि एक दोस्त का क्लास था, मतलब ऑफिस रिलेटेड काम था, तो सिंगल भेजना हम लोगों ने सेफ नहीं समझा, तो इसीलिए दोनों को एक साथ भेज दिया। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करके वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी पी के हम लोग निकले हैं, शाम भी हो चुका है बहुत। ये अगर रात हो जाएगा तो डर तो थोड़ा बहुत रहेगा मन में, बट एडवेंचर भी अच्छा होगा जैसे अभी हो रहा है। जो व्यू है ना भाई, अलग लेवल का है, अलग लेवल का है। आप लोग ऐसे ऑफ बीट पे आओगे, जैसे मुझे नदी उतना ख़ास नहीं लगा, नॉर्मल सा ही लगा,
बट जो रास्ता है ना जाने का और आने का, जो एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा, बाइकर्स को वही चाहिए और कुछ नहीं। एज अ बाइकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। फिट एरिया पे राइड करना अपने आप से एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है क्योंकि जंगल एरिया है और भालू पांडा ये सब सबका डर है, बट एनीवे एडवेंचर तो भर भर के है इसमें। आगे खाली दोस्त लोग दिख रहे हैं, लेफ्ट में थोड़ा बहुत लाइट अभी बचा है बट कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि जो पहाड़ है सब क्लाउड से घिरे हुए हैं। गुरदुम पता नहीं अब कितने किलोमीटर रह गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है शायद, और 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में। ऐसे ही हम लोग राइड किए तो 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। ज़ोर का सूसू लगा है बट कर नहीं पाएंगे, जंगल एरिया में रोकना ठीक नहीं होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे बोलिए ये ऑफ बीट पे आप में से कौन कौन घूम के गया है, और जो राइड है, जो रोड है, जो एडवेंचर है इस रास्ते में, किस किस को मज़ा आया इस एडवेंचर पे। कहते हैं गाना गा रहा था और करिश्म एकदम सुनसान जगह था और बहुत ही डीप जंगल था पीछे, तो वो अचानक से डर गई कि यहाँ पे कहाँ से गाने का आवाज़ आ रहा है, बहुत डर गई थी वो। बट अपने डेस्टिनेशन पे ही हम लोग पहुँच नहीं रहे, कितना दूर है भाई, चलाते ही जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोग गुरदुम पहुँच चुके हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, वंदे मातरम। व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई ऑफ बीट आना चाहे तो हमारे ब्लॉग को देख के इंस्पायर्ड हो। बाय बाय।